हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक आता है हमारा लीवर के बारे में बात करने वाले हम। तो लीवर क्या होता है, ठीक है? तो गाइस एक बात याद रखना कि जब भी हम लीवर के बारे में बात करते हैं तो लीवर के ऊपर मतलब डाइजेशन वाला पार्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो लीवर क्या मतलब जो एनसीईआरटी में बताया गया आपको, मतलब जो बहुत शॉर्ट में दिया गया है, बट क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार जो नीट के अंदर एम्स और जिपमर मर्ज हुआ है तो इसकी वजह से मे भी उसका लेवल बढ़ सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो बात करने वाले लीवर के बारे में, मतलब बेसिक सारी चीजें देखेंगे, साथ में एनसीईआरटी का पार्ट भी देखेंगे। तो सारी चीजें मतलब बी ऑनेस्टली आप सारे लोग उसके ऊपर फोकस करो तो हर एक कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, आप पे क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं मतलब इसके अंदर या जो कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, सारी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है? तो बात करते हैं लिवर के बारे में। तो लिवर में पहला पॉइंट आता है, लिवर दे आर द लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड या लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। अगेन और एक बात याद रखना है इसको, ये जो होता है इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। कैसे होता है? इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इंडोडर्मल इन का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास तीन मतलब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस उसके अंदर तीन क्या होता है, तो लेयर्स बनता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म बनता है, ठीक है? तो गाइज ये जो लीवर बनता है वो इंडोडर्मल से बना होता है। किससे होता है? इंडोडर्मल से बना होता है, ठीक है? अगेन ये जो लीवर होता है, लीवर का वेट कितना होता है तो उसके अगर बारे में बात करते हो वेट के बारे में तो 1.5 केजी होता है। मतलब कितना? ओके 1.5 केजी मतलब कितना? ओके 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी नहीं, तो कितना? एक और हाफ केजी, इसको हम कैसा बोलते हैं तो 1.5 केजी कहते हैं, ठीक है? तो लिवर के बारे में पहला कंसेप्ट इज आर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, सेकंड वन इंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंड थर्ड वन वेट कितना होता है तो उसका 1.5 केजी होता है, ठीक है? तो गाइज हम लीवर जो होता है जो लीवर के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? लीवर के बारे में अगर हम डिटेल में स्टडी करते, और एक पॉइंट अच्छे से याद रखना, स्टडी ऑफ लिवर, क्या बोला है मैंने, स्टडी ऑफ लिवर कॉल एज अ हेपेटोलॉजी, क्या कंसेप्ट है अच्छे से याद रखना, व्हाट इज द हेपेटोलॉजी, उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ लिवर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लिवर कॉल एज अ हेपेटोलॉजी। तो तीन चीज, चार चीजें मैंने बताया, पहला वाला लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, सेकंड वन इंडोडर्मल इन ओरिजिन, थर्ड वन वेट, वेट कितना, वेट ऑफ लीवर कितना होता है 1.5 केजी होता है, और हेपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर कॉल एज अ हेपेटोलॉजी। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे देखे हैं। तो चार चीजें हमारे पास में है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, इंडोडर्मल इन ओरिजिन, वेट 1.5 केजी होता है, और हेपेटोलॉजी मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ लीवर कॉल एज अ हेपेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है? सारा क्लियर हो चुका है। चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीवर के बारे में। तो लीवर का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, क्या होगा, तो गाइज पूरा फोकस होना चाहिए, कोई भी गलती मत करो यहाँ पे, याद रखना मैंने बात जो किया है, ये समझ लो आपका लीवर है, क्या है ये आपका, यस याद रखें, ये समझ लो मैंने बोला लीवर है। तो लीवर के अंदर गाइज आपको दो लोब मिलते हैं, ओके ये जो मिलता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक लोब कहते हैं, या लेफ्ट लोब कहेंगे हम, ओके और ये जो रहेगा गाइज उसको हम कहेंगे राइट, कहे तो हेपेटिक लोब कह सकता है, ठीक है? ओके या राइट लेफ्ट पार्ट ऑफ द लीवर और राइट पार्ट ऑफ द लीवर ऐसा ही बोल सकते हैं। तो लीवर के अंदर दो लोब मिलते हैं, राइट हेपेटिक लोब और लेफ्ट हेपेटिक लोब, ठीक है? तो राइट और लेफ्ट ऐसे मैंने दो लोब लिखे, याद रखना का इस लेफ्ट जो होता है वो कितना होता है तो 1/6 होता है, ये जो पार्ट होता है कितना होता है तो 1/6 होता है, और जो आपका कौन सा वाला है राइट लोब का जो पार्ट होता है वो कितना होता है, तो अब 1/6 वो हो गया, मतलब बचा कितना 5/6, दो चीजें, मतलब एक बात पता चल रही है आपको, राइट लोब ऑफ द लीवर ये कितना होता है 5/6 होता है, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर कितना होता है 1/6 होता है, मतलब ये जो है हम इसको बोल सकते हैं लार्जर लोब है, और इसको क्या बोल सकते हैं स्मॉलर, क्लियर है? इसको हम लार्जर कहते हैं, मतलब लार्जेस्ट लोब ऑफ लीवर अगर बोला गया तो कौन सा आएगा, राइट लोब आएगा, और क्या है तो स्मॉलर लोब अगर बोला गया तो कौन सा आएगा, तो लेफ्ट आएगा। तो राइट हेपेटिक लोब लेफ्ट हेपेटिक लोब दो मिलते हैं। गाइज एक बात और याद रखना, ये जो राइट हेपेटिक लोब लेता है यहां से पता है कि एक ऐसा डक्ट निकलता है, क्या बोला मैंने, जो राइट हेपेटिक लोब जो रहता है इससे एक आपको डक्ट निकलता है, सेम यो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक लोब जो रहता है वहां से भी क्या होता है एक डक्ट निकलता है। तो गाइज इसको हम कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। तो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोथ आर क्या होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर साथ में क्या होते हैं तो मर्ज होते हैं, और वहां पे जो डक्ट बनता है दोनों का भी सेक्रेशन पास कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं। कौन सा कहते हैं, तो गाइस कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं, क्लियर है?
तो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कंबाइनली फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं। यही जो कॉमन हेपेटिक डक्ट रहता है गाइज, याद रखना ये क्या होता है, तो ये कैसा है, क्या होता है, तो एक स्ट्रक्चर बना देता है गाइज। इस स्ट्रक्चर का नाम है, आप लोग सारे जानते हो, क्या बोलते हैं इसको, यस, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं इसको हम, गॉल ब्लैडर कहते हैं। और गॉल ब्लैडर जो होता है ये कैसा मिलता है आपको, येल्लो ग्रीन कलर्ड होता है। कैसा होता है ये, येल्लो ग्रीन कलर्ड क्या है, तो ऑर्गन है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलता है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत सारी सारी चीजें क्या होता है, सिंथेसिस होता है, या इसका सेक्रेशन भी रहता है। तो गाइज एक बात याद रखना, राइट हेपेटिक लोब और लेफ्ट हेपेटिक लोब का सेक्रेशन, साथ में गॉल ब्लैडर का सेक्रेशन, ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तो ये कौन सा है, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट से क्या हो गए, तो पास हो गए। गाइज जैसे नीचे आ जाएगा सेक्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, याद रखना वो जैसे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगेन आपको क्या होता है, तो पता है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है, क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको अराइज होता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है, याद रखना, लीफ लाइक अपीयरेंस आपको मिलता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिस स्ट्रक्चर को हम गाइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, ए कॉर्नर वाले लीव्स बोलते हैं, लीव्स नहीं है, तो क्या ये, याद रखे, इसको हम कहते हैं पैनक्रियाज कहते हैं। व्हाट, क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, तो पैनक्रियाज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो पैनक्रियाज रहता है, याद रखना, इस पैनक्रियाज से मतलब क्या हो गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर कौन मर्ज हो रहा है, तो आपका जो ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो मर्ज हो चुका है, और यही डक्ट बाद में कहाँ आता है गाइज, ये यहाँ से यहाँ तक आता है, और याद रखे, ये यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे क्या करता है, एक स्वेलन रीजन कहता है, मतलब फॉर्म करता है, ओके, लाइकवाइज, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, और ये किस कहाँ पे एंट्री कर रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली ये एंट्री करेगा यहाँ से, यस। तो ये जो पार्ट है आपका क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, कौन सा, ड्यूओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ कहाँ एंट्री कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं। तो आप सारी चीजें याद रखना, फिर से बता रहा हूं, राइट हेपेटिक लोब, लेफ्ट हेपेटिक लोब, ये क्या होता है, लार्जर होता है, ये क्या होता है, स्मॉलर होता है। राइट हेपेटिक लोब से क्या होता है, राइट हेपेटिक डक्ट निकलता है, लेफ्ट लोब से क्या निकलेगा, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलेगा। दोनों जब साथ में आएगा तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनेगा, और ये कहां जाएगा, तो इसके अंदर गाइज। और एक याद रखना, जब यहां से कॉमन हेपेटिक डक्ट यहां तक बन रहा है, तो यहां पे जो डक्ट बन रहा है, जिसका किसका डक्ट है, वो येलो ग्रीन कलर्ड जो क्या है, तो स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। और ये जो डक्ट रहता है, इस डक्ट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया, इसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं, या उसको और एक नाम है क्या है, तो डक्टस ऑफ या डक्टस कोलियोडकस कहते हैं। क्या कहते हैं, और एक नाम है इसका, क्या, डक्टस कोलियो, कौन सा, कोलियोडकस कहेंगे, कोलियोडकस, ओके। तो बात को अच्छे से याद रखना, क्या बोला मैंने, जो आपका ये जो है गॉल ब्लैडर जो है, ओके, डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर कॉल्ड एज़ सिस्टिक डक्ट, या इसको डक्टस कोलियोडकस कहेंगे, ठीक है। तो दो चीज आपको याद रखना चाहिए, सिस्टिक डक्ट, कोलियोडकस, दैट इज द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। अगेन याद रखिए, जब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको पैनक्रियाज आ रहा है, तो पैनक्रियाज से जो डक्ट आता है, ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, इसको हम डक्ट ऑफ विर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, डक्ट ऑफ विर्सन कहते हैं, ओके। तो डक्ट ऑफ विर्सन नाम से भी इसको क्या होता है, तो जाना जाता है, ठीक है। दैट इज द पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ पैनक्रियाज बोल सकते हैं, या पैनक्रियाटिक डक्ट कह सकते हैं। क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, क्लियर। चलो अब ये जैसे आता है, यहाँ पे एम्पल ऑफ वाटर बोला है, ये जो पार्ट है क्या है, तो हाँ, ड्यूओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है, तो ड्यूओडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला है मैंने, ड्यूओडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है, ओके। चलो अब इसके अंदर जब मतलब यहाँ पे जो आता है, तो यहाँ पे पता है कि इस तरह का एक ऐसा मतलब एक हम बोल सकते हैं स्विच टाइप का होता है, तो एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं स्पिंक्टर कहते हैं, ओके। जो आउटगोइंग और इनकमिंग जो हो रहा है, मतलब यह हम बोलेंगे जो अलविंग कर रहा है इसको, पूरे पूरा बाइल डक्ट को, जब इसके अंदर पावर कर रहा है, तो जब पास करना है, तो उसको मतलब ये क्या होता है, तो ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर बोल सकते हैं, उसको क्या करता है, तो कंट्रोल करता है जो बाइल फिगमेंट है इसके अंदर जो पास हो रहा है, तो इसको जो रेगुलेटर कर रहा है, तो ये जो स्पिंक्टर होता है, स्पिंक्टर नहीं का हम क्या बोलते हैं,
अगर अगर अच्छे से बात करना है, अगर आपको मतलब इसका एग्जांपल अच्छे से अगर बताना है, तो याद रखें यहां से स्फिंक्टर में आपको दो जगह पर स्फिंक्टर मिलता है, एक यहां पे एक स्फिंक्टर्स मिलता है और एक यहां पे एक स्फिंक्टर मिलता है, दोनों के दोनों भी अच्छे से याद रखना। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है गाइज, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको पता चलेगा स्फिंक्टर यानी क्या। समझो कभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आजकल जो सब्जियां लेके आते हैं तो पता है क्या, मतलब हॉस्टल में ज़्यादातर हॉस्टल के जो बच्चे हैं या मेस से जो खाना लाते हैं ना, तो उनको मतलब पन्नी के अंदर वो खाना दिया जाता है और पन्नी जो रहता है ऐसा गोल घुमा के, उसका जो बाउस रहता है गोल घुमा के उसके ऊपर ऐसा रबर लगाया जाता है, तो रबर जो होता है वो राइट ना, तो उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। वो स्फिंक्टर ऐसा काम करता है क्योंकि उससे क्या है तो सब्जियाँ गिरती नहीं है, तो जैसा वो स्फिंक्टर उसको ये कर रहा है मतलब क्या करता है तो कंट्रोल करता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर, या उसको पैक करता है वो सब्जी का जो पन्नी होता है उसको पैक करता है। सेम यहाँ पे भी क्या है तो दो स्फिंक्टर होते हैं जो रेगुलेटर का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है गाइस उसको हम नाम देते हैं क्या है तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम देते हैं उसको? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम बोला है मैंने? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं गाइस। और ये यहाँ पे जो आपको स्फिंक्टर मिलता है तो इसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ। याद रखना क्या बोला है मैंने? स्फिंक्टर ऑफ। क्या बोला है? स्फिंक्टर ऑफ। स्फिंक्टर ऑफ बोइडेनम। क्या बोला है मैंने उसको? स्फिंक्टर ऑफ बोइडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ बोइडेन कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका स्फिंक्टर ऑफ बोइडेन हो गया। ठीक है, अब यहां पे सारी चीजें मैं बता रहा हूं, सारे के सारे आराम से देख लेना। क्या बोला है मैंने? राइट हेपेटिक लोब, इसको हम कहते हैं राइट हेपेटिक लोब, इसको कहते हैं हम लेफ्ट हेपेटिक लोब। लीवर का स्ट्रक्चर पहली बात याद रखना। ठीक है, यहां से राइट हेपेटिक लोब से क्या मिलता है? तो आपको राइट हेपेटिक डक्ट मिलता है। लेफ्ट हेपेटिक लोब से क्या मिलेगा? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलेगा। ये दोनों जब साथ में आ जाएंगे, एक दूसरे के मर्ज हो गए, साथ में सिस्टिक डक्ट या जिसको हम डक्टस कोलियोडकस कहते हैं, ये साथ में मिलेगा तो बनेगा वो कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जैसे बनेगा तो याद रखना यहाँ पे जो सेक्रेशन आ रहा है यहाँ से, इसके अंदर के जो पाइल पिगमेंट आपको आएगा, इसके अंदर से जो पिगमेंट आ रहा है वो कौन सा होगा? पाइल पिगमेंट होगा डेफिनेटली। इसके अंदर से जो होगा तो आपको किसका पिगमेंट मतलब सेक्रेशन होगा तो लिवर गॉल ब्लैडर का सेक्रेशन होगा। तो जब ये दोनों भी जब साथ में आते हैं ओके, तो इसके ये जो अलोइंग है उसको जो कंट्रोल करने वाला है वहां पे एक स्फिंक्टर है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बोइडेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ बोइडेन। ओके, ये कहां पर जमता है? जस्ट अबव द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के जस्ट अबव होता है। ठीक है, और ये क्या है? तो ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर आपको पता है कैसा मिलता है? येलो ग्रीन कलर्ड मिलता है। और डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर कॉल एज अ सिस्टिक डक्ट या उसको डक्ट ऑफ कोलियोडकस कहते हैं। क्लियर हो गया सारी चीजें? और एक बात याद रखना, मैं जो बात कर रहा हूं वो बात किसके बारे में बात कर रहा हूं? यस, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्टेकल, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, आपने नाम सुना होगा जिसको जॉन्डिस कहते हैं। ऑब्स्टेकल जॉन्डिस का मतलब क्या होता है ये बताने जा रहा हूं गाइज। बात पता है क्या? ये जो सेक्रेशन आ रहा है इसके अंदर भी जो सेक्रेशन आ रहा है तो इसके अंदर पता है कि आपके पास कुछ सॉल्ट्स मिलते हैं, है ना, या ये जो रहता है आपका गॉल ब्लैडर का जो सेक्रेशन रहता है इसके अंदर आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट इसके अंदर आपको जो मिल रहा है बाइल पिगमेंट के अंदर या गॉल ब्लैडर का सेक्रेशन के अंदर, ये सारा सेक्रेशन पता है कि आपको सारा के पूरा फोकस करो इसके ऊपर। क्या बोला है मैंने? ये सारा सेक्रेशन जो आ रहा है वो यहाँ पे क्या होता है तो कभी कभी क्या होता है तो डिपॉजिट हो जाता है सारा के सारा आपका क्या हो जाएगा तो जो कोलेस्ट्रॉल है ओके, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आकर क्या होगा तो डिपॉजिट होगा गाइस। ये कोलेस्ट्रॉल जो है पूरे के पूरे जो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है उसको ब्लॉक करेगा। अब ये जैसे ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, ऊपर का जो सेक्रेशन आ रहा है और इसका जो सेक्रेशन आ रहा है वो नीचे नहीं जाएगा। अब ये नीचे नहीं जाएगा तो मतलब होता क्या है, जब ये नीचे नहीं जा रहा है तो पूरा सेक्रेशन यहाँ पे क्या होगा तो मतलब पूरा के पूरा यहाँ पे कॉगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे भीड़ मतलब ज्यादा यहाँ पे जमा हो जाएगा। और जब जैसे जैसे यहाँ पे जमा होगा तो ये नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे ये ऊपर ऊपर जाएगा। और तो पता है यहाँ से जो लिवर होता है लिवर से निकलता है हेपेटिक वेंस निकलता है और इसके अंदर फिर ये पूरा के पूरा बाइल पिगमेंट चला जाता है और फिर ये जाता है राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट में जाता है, राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट जाता है और पूरे बॉडी के अंदर पता है कि आपको क्या मिलता है तो बाइल पिगमेंट जो होता है येलो कलर का मिल जाता है और पूरा बॉडी जो रहता है आपका कैसा होता है तो येलो कलर का होता है और जिसी को हम कहते हैं आपके लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो इसको हम पिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलिया। कुछ लोग मराठी में उसको काविल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें है ये किसकी वजह से होता है तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने की वजह से होता है। कहाँ होता है? तो ये आपका जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर क्या होता है तो उसका डिपोजिशन होता है और उसी की वजह से क्या होता है तो पीलिया होता है जिसको जॉन्डिस कहते हैं या उसको हम क्या कहते हैं ऑब्स्टेकल जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारा चीजें
कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो ये जो है इसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, तो आपको पीलिया वगैरह होता है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। अब होता क्या है, तो जो बात बता रहा हूं आराम से सुनिए। अब ये जॉन्डिस, हाँ यहाँ पे फिर ये सारा चीज आ गया, ठीक है। ठीक है, देख लेना क्या बोला मैंने। कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ये सारा सारा कोलेस्ट्रॉल अभी यहाँ पे निकल गया, समझ लो जॉन्डिस नहीं हुआ है, हेल्दी पर्सन है, राइट ना। हाँ, तो इसके अंदर का पूरा सेक्रेशन जब इसके अंदर आ रहा है ऐसा डायरेक्टली, है ना, तो जैसे क्या होता है, ये जो डक्ट ऑफ द पैनक्रियाज है जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ विर्संग कहते हैं, इसका सेक्रेशन भी जब इसके अंदर आता है तो पैनक्रियाज का सेक्रेशन साथ में आपका कौन सा, इसका लिवर का सेक्रेशन और कौन सा, गॉल ब्लैडर का सेक्रेशन, जब ये साथ में पूरा के पूरा मर्ज होता है, यानी ये जब इसके अंदर मर्ज होगा तो इसको हम कहते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, याद रखना, क्या बोला है मैंने, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट नाम से क्या होता है, तो उसको जाना जाता है। क्लियर हो गया, अब याद रखें। अब हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से जो सेक्रेशन आ रहा है, पूरा के पूरा सेक्रेशन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा, यहाँ पे जो आपको स्वेलन लाइक, मतलब स्वेलिंग लाइक जो पार्ट मिल रहा है जिसको हम कहते हैं एम्पल ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पल ऑफ वाटर, और इसके अंदर आपको मिलेगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या करेगा, अलो द मूवमेंट ऑफ बाइल पिगमेंट और हेपेटो पैनक्रियाटिक जूस जो भी रहेगा उसको कंट्रोल करेगा, और फिर इसके अंदर से ये क्या होगा, जब इसके अंदर जाएगा तो ये क्या है आपका, याद रखना, इसको हम कहते हैं ड्यूओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, तो ये ड्यूओडेनम पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर क्या होगा, तो इंटर होगा, और पता है कि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होगा, फिर इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के लिए वो क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर हो गया, तो दैट इज अबाउट द, जस्ट आपको एक पता होना चाहिए कि लिवर के बारे में या लिवर किस तरह काम कर रहा है, ओके। तो ये सारा पार्ट इसके अंदर आता है, ओके। फिर से एक बार मैं आपको इसको बता देता हूँ, ओके, याद रखिए, ये बात कर रहा हूँ लिवर। लिवर क्या है, दिस आर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी है। सेकंड पॉइंट मैंने बोला, दिस आर द इंडोडर्मल इन ओरिजिन है। वेट ऑफ द लिवर कितना होता है, 1.5 kg होता है। अगेन स्टडी ऑफ लिवर कॉल एज हेपेटोलॉजी कहते हैं। और मैंने लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, याद रखना लिवर का जो स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको डायरेक्टली मिलता है टू लोब में। लिवर क्या होता है, डिवाइड होता है राइट लोब लेफ्ट लोब। राइट लोब से क्या निकलता है, राइट लोब जो होता है वह कितना होता है, 5/6 होता है। लेफ्ट लोब जो होता है वह कितना होता है, 1/6 होता है। राइट लोब से क्या होता है, राइट हेपेटिक डक्ट निकलता है। लेफ्ट लोब से क्या निकलता है, तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलता है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट दोनों साथ में जब मिलते हैं और क्या होता है, तो जब यहाँ पे गॉल ब्लैडर का भी जब क्या होता है, तो सेक्रेशन यहाँ पे आता है, जब ये इसको जाकर मिल जाता है तो वो तब जाकर बनता है। याद रखना लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर का डक्ट जब साथ में मिलेगा तब बनेगा वो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये जो आपको ऑर्गन मिल रहा है जिसको हम गॉल ब्लैडर कह रहे हैं, गॉल ब्लैडर जो होता है येलो ग्रीन कलर्ड होता है, अच्छे से याद रखना। और डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर कॉल एज सिस्टिक डक्ट कहते हैं, डक्ट ऑफ कोलियोडकस कहते हैं, ठीक है। और एक बात, जब ये नीचे सेक्रेशन आ रहा है तो ओके, जब यहां से आएगा तो यहां पे जो स्फिंक्टर होगा जिसको कंट्रोल करेगा, जिस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ड्यूओडेनम, ठीक है। अब ये स्फिंक्टर उसको क्या करेगा, कंट्रोल कर रहा है। जैसे वो नीचे आएगा तो अगेन पैनक्रियाटिक डक्ट इसके अंदर मर्ज होगा, ओके, जिसको हम कहेंगे डक्ट ऑफ विर्संग कहेंगे। और जैसे इसके अंदर मर्ज होगा यहां पे आपको अगेन एक स्फिंक्टर मिलेगा। ये स्फिंक्टर जो सेक्रेशन आ रहा है, मतलब पैनक्रियाटिक और कॉमन हेपेटिक डक्ट का सेक्रेशन दोनों साथ में मिलकर बनेगा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और इसके अंदर जो सेक्रेशन मिलेगा हेपेटो पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा, और ये सारा के सारा जूस यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे जो कंट्रोलिंग करने वाला है उसको, अलोइंग ऑफ मोमेंट ऑफ सेक्रेशन ऑफ, मतलब हेपेटो पैनक्रियाटिक जूस, तो उसको जो कंट्रोल करने वाला है वहां पे जो होगा तो कौन होगा, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होगा। और फिर ये क्या करेगा, इसके अंदर पोर करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, तो वो पूरा पूरा इंटर करवा देगा। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो स्वेलन रीजन मिल रहा है जिसको हम कहते हैं एम्पल ऑफ वाटर कहते हैं। दैट इज अबाउट द ओके स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब जस्ट लिवर का आपको पूरा के पूरा, मतलब एक कंसेप्ट, एक मैपिंग पता चलेगा कि लिवर किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट लिवर। अब हम बात करते हैं, अगर लिवर को हमने अगर कट कर दिया, क्या बोला मैंने, अगर लिवर को अगर कट कर दिया तो लिवर के अंदर पता है क्या, मतलब कुछ आपको लोबुल्स मिलते हैं। क्या होता है, जब लिवर को हम अगर डिसेक्ट करते हैं, उसका सेक्शन टीआर सेक्शन लेते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, तो लोबुल्स मिलता है। तो याद रखना मैंने क्या बोला है, तो इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेपेटिक लोबुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपेटिक लोबुल्स कहते हैं। तो व्हाट इज द हेपेटिक लोबुल्स, हेपेटिक लोबुल्स क्या होते हैं, याद रखना कंपोजिशन ऑफ द लिवर, लिवर इज मेड अप बाय द हेपेटिक लोबुल। और व्हाट इज द हेपेटिक लोबुल, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, तो वो लिवर का।
अगर आपको किसी ने किस बोला क्या व्हाट इज द हेपेटिक ग्लोबुल, तो हेपेटिक ग्लोबुल क्या है, देयर आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, तो लिवर है जिसको हम कहते हैं हेपेटिक ग्लोबुल। तो गाइस हमें अभी बात करना है हेपेटिक ग्लोबुल्स के बारे में, हेपेटिक ग्लोबुल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको रेफ करता हूं मैं नेक्स्ट वन। तो हेपेटिक ग्लोबुल की बात आती है, हेपेटिक ग्लोबुल से ही क्या होता है, तो पूरा के पूरा लिवर बनता है। मतलब अगर बात करेंगे तो हेपेटिक ग्लोबुल की क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ओके सेल की नहीं बात कर रहा मैं, सब लोगों को वही याद आता है। तो मैं बात कर रहा हूं लिवर के बारे में, तो लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा आता है, तो जिसको नाम देते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, यस बोलो क्या नाम है उसका, फटाफट बोलो। हाँ हेपेटिक ग्लोबल्स बात कर रहे हैं, तो हेपेटिक ग्लोबल्स के पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या बोला मैंने, हेपेटिक ग्लोबल्स के अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो हेपेटिक ग्लोबल्स में पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है, तो उसमें पहला पॉइंट बता रहा हूं याद रखना, क्या बोला मैंने, हेपेटिक ग्लोबल्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, हेपेटिक ग्लोबल्स की बात कर रहा हूं, हेपेटिक ग्लोबल्स, ठीक है। तो हेपेटिक ग्लोबल्स में डिटेल में चर्चा करते हैं गाइस, पूरा फोकस होना चाहिए, कोई भी गलती यहाँ पे नहीं करना है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो समझ लो ये आपका हेपेटिक ग्लोबल्स है, देख लेना ये क्या मिलेगा, तो आपको हेपेटिक ग्लोबल्स मिल रहा है, ठीक है, तो दैट इज द हेपेटिक ग्लोबल्स, ठीक है। अब ये जो हेपेटिक ग्लोबल्स है ये बाहर से जो होता है इसको एक कवरिंग होता है, याद रखना बाहर की बात कर रहा हूं, हेपेटिक ग्लोबल्स इज कवर्ड बाय वन ऑफ द सिंगल लेयर, ओके ये क्या है, तो एक ऐसा लेयर्स मिलता है, इस लेयर को हम नाम देते, बहुत बार आ चुका है, क्या है, तो लिवर इज कवर्ड बाय, सॉरी हेपेटिक ग्लोबल्स इज कवर्ड बाय वन ऑफ द कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर एंड द कैप्सूल इज कॉल्ड एज, तो ये जो कैप्सूल्स आपको मिल रहा है इस कैप्सूल्स को हम कहते हैं गिल्सन्स कैप्सूल्स कहते हैं, कौन सा कहते हैं, गिल्सन्स कैप्सूल्स कहते हैं, कौन सा कैप्सूल्स कहते हैं, तो गिल्सन्स कैप्सूल्स नाम से इसको क्या होता है, तो जाना जाता है, क्लियर हो गया। तो ये आपका गिल्सन्स कैप्सूल्स हो गया, अब नेक्स्ट टू द गिल्सन्स कैप्सूल क्या आता है, याद रखना हेपेटिक ग्लोबल्स इज कवर्ड बाय वन ऑफ द कैप्सुलर लेयर दैट इज कॉल्ड एज गिल्सन्स कैप्सूल। अब आप बोलो अंदर की बात करो, तो सर जो अंदर वाला जो पार्ट होता है अंदर में आपको क्या मिलता है, तो एक वेन मिलता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वेन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, सेंट्रल वेन कहते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, इसको सेंट्रल वेन कह रहे हैं, तो सेंट्रल वेन के बाद में यहां से पता है कि आपको और एक स्ट्रक्चर मिलता है, कौन सा वाला, अच्छे से याद रखिए, कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, इसके अंदर आपको यहां से इस तरह के आपको लेयर्स मिलते हैं, याद रखना इसके अंदर आपको एक क्या है, तो ये हेपेटोसाइट्स है, और हेपेटोसाइट का ऐसा क्या है, तो टू लेयर्ड मिलते हैं, टू लेयर्स ऑफ हेपेटोसाइट्स कहते हैं हम इसको, ठीक है। अभी आपको ये सारी जगह पे मिलेगा लाइकवाइज, ओके इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। अगेन इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ऐसा डायग्राम कभी मैंने निकाला नहीं, मतलब बहुत दिनों के बाद में ऐसा डायग्राम आ चुका है, इतना अच्छा डायग्राम आ रहा है ना, ओके। तो ये आपका हेपेटिक ग्लोबुल्स हो गया, तो हेपेटिक ग्लोबुल्स के अंदर आपको इस तरह के लेयर्स मिलता है, टू लेयर्ड हेपेटोसाइटिक सेल का या इस तरह का एक आपको अरेंजमेंट मिल रहा है और आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को, तो एक बार अच्छे से देख लेना, ये जो आपको लोबुल्स मिल रहा है ये कैसा दिखाई दे रहा है, बाबा कौन है रे बाबा, भज्जा जैसा बोल रहा है, भज्जा जैसा दिखाई दे रहा है कि ये तो कैसा दिखाई दे रहा है बोलो, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर कैसा दिखाई दे रहा है, अरे बोलो ना, हाँ तो सुन लो बताता हूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, हेक्सागोनल कहते हैं या इसको हम पॉलीगोनल भी कहते हैं, कैसा कहते हैं, तो पॉलीगोनल नाम से भी जाना जाता है, हेक्सागोनल कह सकते हैं या पॉलीगोनल कह सकते हैं, ठीक है। और एक बात, इसको आपको इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है, तो ये क्या है, तो टू लेयर ऑफ सेल होते हैं, ये जो लेयर मिल रहा है टू लेयर ऑफ सेल मिल रहा है, और ये जो सेल्स है इसको हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स कहते हैं, हेपेटोसाइट्स है ना, इसी की वजह से तो हेपेटोलॉजी नाम वर्ड आ चुका है ना, तो हेपेटोसाइट्स का ये आपको क्या मिलता है, तो टू लेयर्स मिलते हैं। और क्या है इसके अंदर सर, इसके अंदर और एक पॉइंट है, क्या आता है,
ये जो ऐसे यहाँ पे जो आपको ये वाला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल रहा है, यहाँ पे आपको तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। क्या मिलता है वहां पे आपको? तीन क्या होते हैं, ऐसे एक ओपनिंग्स मिलता है। ओके, और ये जो ओपनिंग्स होता है गाइज, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन बोलेगा सर? इसको कहते हैं हम पोर्टल ट्रायड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो तीनों के तीनों आपको मिल रहा है, इसको हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड कहते हैं। तो पोर्टल ट्रायड के अंदर आपको एक जो मिलेगा, इसको हम कहते हैं हेपेटिक वेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम हेपेटिक वेन कहते हैं गाइज। और ये जो मिलेगा, इसको हम कहते हैं हेपेटिक वेन, उसके बाद में बोलो और बोलो फटाफट फटाफट। ओके, बाइल डक्ट कहेंगे। और ये जो रहेगा मिडल वाला, इसको हम हेपेटिक आर्टरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? हेपेटिक आर्टरीज। तो मैं जो बात बता रहा हूं अच्छे से सुन लेना। हेपेटिक वेन क्या करेगा? उसके अंदर का ब्लड को रिमूव करेगा। इसके अंदर जो ब्लड लेके जाना है तो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू जाएगा, और जो बाइल सेक्रेशन होगा तो बाइल डक्ट के थ्रू आएगा। मैंने बोला है पहले ही आपको, ठीक है? तो यहाँ पे तीन आपको क्या मिलता है? तो बंच ऑफ तीन लेयर का ओपनिंग मिलता है। तीन क्या है? तो डक्ट का ओपनिंग मिलता है, जिसको हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको तीन ट्रायड मिलेंगे, यहाँ पे भी तीन ट्रायड मिलेंगे, यहाँ पे भी तीन ट्रायड मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको क्या है? तो पोर्टल ट्रायड मिलेंगे। तो हर जगह पे आपको ये मिलेगा, और यहाँ से हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरीज और बाइल डक्ट क्या हो गए? तो अराइज हो गए, ठीक है? अब और एक बात, ये जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला हुआ है, ये जो इसके अंदर के जो लेयर्स है, इसको हम कहते हैं, मतलब इसके अंदर का जो आपको यहाँ पे जो सेक्रेशन या इसके अंदर कुछ आपको मिलेगा, जिसको हम कहते हैं हेपेटिक सिनुसॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटिक, क्या नाम बोला है मैंने? हेपेटिक सिनुसॉइड्स कहते हैं। तो हेपेटिक सिनुसॉइड्स के अंदर आपको यहाँ पे एक मिलेगा दैत्य। क्या मिलेगा उसके अंदर? क्या दैत्य क्या होता है? दैत्य को हम क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो दैत्य होगा, याद रखना ये दैत्य है यहाँ पे प्रेजेंट, और इस दैत्य को होगा क्या है? तो सीजर। मतलब जब सीजर होगा तो आपको पता है कि ये क्या करने वाला है? खाने वाला है ना। तो ये जो दैत्य होता है, जो भी आता है उसको क्या करता है? तो इनगल्फ करता है, और जिसका नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? कफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कफ सेल। दीज आर द फैगोसाइटिक इन नेचर। कैसा होता है? फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। फैगोसाइटोसिस कहते हैं या फैगोसाइटिक इन नेचर कहते हैं। फैगोसाइटिस का मतलब होता है इनगल्फ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनगल्फ ऑफ द बैक्टीरिया। तो इसको हम कहते हैं कफ सेल। तो याद रखना, लिवर के अंदर जो आपको फैगोसाइटिक सेल मिलता है, जिसको हम कहते हैं कफ सेल। तो दैट इज अबाउट द हेपेटिक लोबल्स। तो क्या मैंने बोला है? हेपेटिक लोबल, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ओके, हेपेटिक लोबल इज कवर्ड बाय वन ऑफ द क्या है? तो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द गिल्सन कैप्सूल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टू द गिल्सन कैप्सूल आपको सेंट्रल वेन मिलता है। सेंट्रल वेन के बाद में आपको क्या मिलता है? तो कॉर्ड ऑफ टू लेयर ऑफ या कॉर्ड ऑफ हेपेटिक हेपेटोसाइड से हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। ओके, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? तो पोर्टल ट्रायड मिलेगा, जिसके अंदर हेपेटिक वेन रहेगा, हेपेटिक आर्टरीज रहेगा, बाइल डक्ट रहेगा। हेपेटिक वेन क्या करेगा? अंदर का जो ब्लड है उसको बाहर लेके जाएगी। हेपेटिक आर्टरीज क्या करेगा? बाहर के ब्लड को अंदर, मतलब इसको ब्लड प्रोवाइड करेंगी। और जो बाइल डक्ट है, बाइल सेक्रेशन क्या करेगा? तो क्या करेगा? तो फ्लो करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें रहेगा। साथ में इन बिटवीन जो होगा, यहाँ पे जो पेसेस मिलता है, इसको हम कहते हैं हेपेटिक सिनुसॉइड्स कहते हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? तो दैत्य मिलता है, जिसका नाम है क्यूफर सेल। दे आर द फैगोसाइटिक इन नेचर। व्हाट इज द फैगोसाइटिक? इसका मतलब होता है इनगल्फिंग ऑफ माइक्रोनिज्म फॉरेन बॉडीज। और लास्ट में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? हेक्सागोनल है, या उसको हम कहते हैं पॉलीगोनल। तो ये जो आपको मिला, इसको क्या कहते हैं हम? फिगर निकाल सकते हैं। क्या है फिगर? हेपेटिक लोबल्स। किसका है? तो हेपेटिक लोबल्स का एक स्ट्रक्चर है। किसका है? हेपेटिक लोबल्स। तो गाइज, हमने लिवर के बारे में अगर बात किया, तो लिवर में मैंने बोला, पहला पॉइंट बोला था क्या है लिवर के, अगर क्या है तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद में मैंने बोला कि हाँ, उसका जो इंडोडर्मल ओरिजिन होता है 1.5 kg उसका वेट होता है। दूसरी बात मैंने बोला कि लिवर का स्ट्रक्चर आपको बताया, दो लोब मिलते हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब है ना, वो दोनों लोब से क्या डक्ट निकलता है, बाद में क्या होता है, तो जिसको सिस्टिक डक्ट जो मिलता है, बाद में वो बन जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट अगेन कौन मिलता है? उसको पैनक्रेटिक डक्ट मिलता है, बन जाता है हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट। और वो जाकर कहाँ मिलता है? तो ड्यूओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में मैंने लोबल्स का स्ट्रक्चर बताया था। लोबल के अंदर क्या बोला था? ये जो हेपेटिक लोबल्स है, कैसा दिखता है? लाइकवाइज ये कैसा मिलता है? तो लाइकवाइज इसको हेक्सागोनल कहते हैं, पॉलीगोनल कहते हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, आउटर मोस्ट गिल्सन्स कैप्सूल्स होगा, इसके अंदर सेल्स होंगे, क्यूफर सेल कहते हैं, कॉर्ड ऑफ द हेपेटिक हेपेटोसाइट सेल्स होगा,
ओके हेपेटिक सिनुसॉइड्स हो गया, इसके अंदर पोर्टल ट्रायड मिल गया, हेपेटिक आर्टरीज, हेपेटिक वेन और बाइल डक्ट मिलेगा। क्लियर हो गया ये सारा आपका है। अभी बात करते हैं हमारे पास में जो पॉइंट आता है वो आता है क्या है, तो फंक्शंस ऑफ लीवर के बारे में। तो गाइज फंक्शंस ऑफ लीवर क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मतलब फंक्शंस ऑफ लीवर पता भी है, फिर भी अगर आपको मतलब इश्यूज आ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो गाइज यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए। ओके आसान है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ओके बट हमें याद नहीं रहता है, तो फंक्शंस ऑफ लीवर नेक्स्ट वन जो पॉइंट रहेगा हमारा कौन सा रहेगा, फंक्शंस ऑफ लीवर रहेगा। तो गाइज हमें फंक्शंस ऑफ लीवर जब देखना है, याद रखिए जब फंक्शंस ऑफ लीवर देखना है तो पता है क्या ओके क्या हम डिपेंड करते भगवान के ऊपर। तो कैसे डिपेंड करते भगवान के ऊपर, तो भगवान ने क्या है, भगवान को बोल दिया हमने क्या, हमें लीवर के फंक्शन याद नहीं रहते, तो भगवान ने आपको क्या कर दिया, वरदान दिया। तो क्या वरदान दिया देख लेना, भगवान ने क्या दिया आपको, एक क्या है निमोनिक्स दे दिया। क्या निमोनिक्स है अच्छे से याद रखना, हंसना नहीं है सारे लोग प्लीज, फिर से बता रहा हूँ क्या निमोनिक्स है आपका। तो निमोनिक यह है क्या है, पुश डॉग बाय बाइक। क्या मैंने बोला है, पुश डॉग बाय बाइक। क्या बोला है मैंने, निमोनिक्स क्या है आपका, पुश डॉग बाय बाइक, पुश डॉग बाय बाइक, पुश डॉग बाय बाइक, पुश डॉग बाय बाइक, याद रहेगा। ओके क्या है निमोनिक्स आपका, पुश डॉग बाय बाइक, पुश डॉग बाय बाइक, यस दैट इज द निमोनिक ऑफ फंक्शंस ऑफ लीवर। ठीक है, तो पी का मतलब क्या होता है, पी मैंने क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप फंक्शंस ऑफ लीवर, लिख सकते हो फंक्शंस ऑफ लीवर। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ लीवर में पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या, पुश डॉग बाय बाइक। तो पी का मतलब होता है यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, क्या कर रहा है वो, प्रोटीन सिंथेसिस। तो गाइज प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है याद रखना, मतलब प्रोटीन बना रहा है। तो याद रखे ऑल प्रोटीन ऑफ ब्लड, ऑल प्रोटीन ऑफ ब्लड, अच्छे से याद रखना, ऑल प्रोटीन ऑफ ब्लड सिंथेसाइज बाय लीवर। ओके वाया लीवर, मतलब लीवर से आपको क्या है, तो ऑल प्रोटीन ऑफ द ब्लड सिंथेसाइज बाय द लीवर, एक्सेप्ट एक्सेप्शन में आता है कौन सा, गामा ग्लोबुलिन। क्या आता है, गामा ग्लोबुलिन, याद रखना गाइज। ब्लड के सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है, एक्सेप्ट में कौन सा, गामा ग्लोबुलिन सिर्फ नहीं बनाता है। ठीक है, और एक बात आता है आपको यहाँ पे अगेन याद रखना, तो ऑल पो क्या है, तो पहला पी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल प्रोटीन ऑफ द ब्लड सिंथेसाइज बाय द लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। सेकंड वन आता है यू आता है, यू का मतलब होता है ये क्या करता है, तो यूरिया सिंथेसिस करता है, क्या करता है, हाँ तो मतलब यूरिया सिंथेसाइज कर रहा है या यूरिया सिंथेसिस करता है। तो यूरिया सिंथेसिस कैसे करता है, तो गाइज यहाँ पे जो होता है यूरिया सिंथेसिस के लिए काम करता है, मतलब आपके आप जब क्या खाते हो, तो जो प्रोटीन खाते हो प्रोटीन से क्या बनता है, तो अमोनिया बनता है ना, और अमाइनो एसिड जो होता है उससे अमोनिया बनेगा, अमोनिया का कन्वर्जन किसमें होगा, तो यूरिया में होगा, किसमें होगा, तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया, जब ये यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है, अच्छे से याद रखना किसमें हो रहा है, तो यूरिया में, अमोनिया इज कन्वर्ट द यूरिया, तो यूरिया सिंथेसिस के लिए क्या कर रहा है, तो काम कर रहा है। आगे याद रखना गाइस जहां पे जो लिख रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यस का मतलब होता है दो चीजें है, यस के अंदर आपको दो चीजें मिलता है, एक जो मिलता है इस तरह, एक को हम कहते हैं सिंथेसिस कहते हैं, वो सिंथेसिस करता है, तो क्या सिंथेसिस करता है, दूसरा जो आता है तो वह स्टोर करता है, स्टोरेज करता है, यस फॉर स्टोरेज, यस फॉर सिंथेसिस। तो गाइस स्टोरेज क्या करता है, तो पता होना चाहिए स्टोरेज में क्या करता है, तो ये स्टोरेज करता है कुछ वाइटामिन को, जिसको हम कैदी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैदी। गाइस यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज फोकस करो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, वाइटामिन्स के अंदर आपको दो टाइप्स मिलते हैं, वाइटामिन्स के अंदर दो टाइप्स मिलते हैं, एक जो होता है फैट सोल्यूबल होता है, कैसा होता है, फैट सोल्यूबल, दूसरा जो होता है कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल रहता है। ओके तो फैट सोल्यूबल के लिए पासवर्ड है कौन सा है, फैटी कैदी, कैसा है, तो कैदी, कैदी कहते हैं हम, फैटी कैदी। तो कैदी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो क्या कैदी कैसा है, तो फैटी है ना, फैटी कैदी कहते हैं। तो कैदी अगर फैटी है तो उसमें आता है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल है, जिसको हम बोलते हैं फैटी कैदी, कैदी को ऐसा लिखते हैं हम। ठीक है, वाटर सोल्यूबल के अगर बारे में बात करते हैं, तो हम इसके लिए निमोनिक्स लिखते हैं गाइस डब्ल्यूबीसी, क्या लिखते हैं, डब्ल्यू का मतलब होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर, बी का मतलब होता है विटामिन बी, और सी का मतलब होता है विटामिन सी,
क्लियर हो गया। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, विटामिन के अंदर दो टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल में याद कैसे रहेंगे, फैट फैट फैटी कैदी, फैटी कैदी कैदी के ए डी ई कैदी। तो विटामिन क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए फैट सोल्युबल है, W फॉर वाटर, और विटामिन बी और विटामिन सी कैसे, तो वाटर सोल्युबल विटामिन से। क्लियर हो गया। चलो अब उसी के यहां पे बात करना है। तो ये कैदी को स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, कैदी विटामिन जो होते हैं, कैदी विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी और ई को ये क्या करता है, तो स्टोर करता है साथ में ये किसको, तो आयरन, और प्लस में झड़ियन को भी क्या करता है, तो स्टोर करता है। अब यहां पे सिंथेसिस की बात आती है गाइस, तो सिंथेसिस क्या क्या करता है, ये क्या बोला मैंने, सिंथेसिस में कर रहा है तो क्या क्या सिंथेसिस करता है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट सिंथेसिस के अंदर क्या सिंथेसिस कर रहा है, तो ये क्या करता है, तो क्लोटिंग फैक्टर को सिंथेसिस करता है, किसको सिंथेसिस करता है, क्लोटिंग, हाँ पहले याद रखना किसको सिंथेसिस कर रहा है, तो क्लोटिंग फैक्टर्स कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर, तो क्लोटिंग फैक्टर को यह सिंथेसिस करता है साथ में क्या करता है, तो विटामिन ए को भी सिंथेसिस करता है, जिसको हम कहते हैं, हाँ एक्चुअली विटामिन ये जिसे बोलते हैं, या बीटा कैरोटीन कहते हैं हम, ठीक है, तो बीटा कैरोटीन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है, तो विटामिन ए सिंथेसिस के लिए काम करता है, और क्लोटिन फैक्टर के को भी क्या कहता है, सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर लगा, तो यहाँ पे ऐसा लिखता हूं मैं, सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट, डी का मतलब क्या होता है, ओके डी का दो आते हैं, डी के अंदर आपको दो चीजें आते हैं, एक जो आता है कौन सा आता है, तो डॉग की बात कर रहे हैं ना, डी का डॉग की बात कर रहे हैं हम, डी का मतलब दो आते हैं, ओके डॉग, डी के अंदर आपको दो मिलते हैं, डॉग कहते हैं हम, तो डी का मतलब होता है दो चीजें आते हैं, पहला आता है डी अमाइनेशन, व्हाट इज द डी अमाइनेशन गाइस, बोलो डी अमाइनेशन मतलब व्हाट, क्या होता है, तो गाइस डी अमाइनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ, क्या बोला है मैंने, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, अगर अमाइनो ग्रुप को हम अगर रिमूवल कर रहे हैं तो उसको डी अमाइनेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप या अमाइनो ग्रुप, जिसको हम डी अमाइनेशन कहते हैं। और दूसरा मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन, किस क्या कर रहे हैं, तो हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी क्या कर रहे हैं, तो हम लिवर क्या करता है, तो काम करता है। तो गाइस मुझे बता दो डिटॉक्सिफिकेशन होने क्या होता है ना, तो डिटॉक्सिफिकेशन हम किसको कहते हैं, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है क्या, टॉक्सिक इज कन्वर्ट इन टू टॉक्सिक इज कन्वर्टेड इनटू द डिटॉक्सिक, मतलब क्या है, तो पॉइजनस को नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा है, तो टॉक्सिक को डिटॉक्सिक में कन्वर्ट करता है। बट यहाँ पे जो यूज होता है इसके अंदर P450 साइटोक्रोम P450 कहते हैं, साइटोक्रोम P450 जो होता है इसको टॉक्सिक को डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, तो लिवर क्या करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काम करता है। मतलब क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, या बहुत सारी चीजें आता है उसमें, कुछ लोग अगर बोले तो कुछ रिजल्ट की वजह से, या किसी ने कुछ बोल दिया है ना, कुछ पी लेते हैं, मतलब जो भी मिलेगा वो पी लेते हैं, मतलब चाय पानी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब रिजल्ट नहीं आया है ना, मोस्टली ऐसा ही बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है क्या, अगर किया भी तो जैसे हम जनरली कुछ बहुत सारी चीजें खाते भी है, तो जब हम कोई चीजें खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी टॉक्सिक आता है, तो वो जो टॉक्सिक को रिमूव करने का काम आपका कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है। साथ में और एक बात याद रखना गाइस, क्या अगर आप कोई टॉक्सिक पीते हो तो आपका बॉडी जो उसको क्या करता है, तो रिस्पॉन्ड करता है, पहले स्टिमुलाई करता है, मतलब स्टिमुलेशन देता है कि टॉक्सिक भी खा लिया तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है, उस टाइम लीवर काम करेगा, अदर बॉडी भी उसको, मतलब अदर भी आपको जो सेल्स है, अदर फैगोसाइटिक सेल्स है, उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाएंगे। हाँ बट फिर भी क्या होता है, तो लीवर का काम क्या होता है, तो टॉक्सिक को डिटॉक्सिक, मतलब जो आपने पॉइजन लिया है पॉइजन को नॉन पॉइजन में कन्वर्ट कर रहा है, बट वहां पे कौन यूज होगा, साइटोक्रोम P450 यूज होता है, ये बात आप भूलना नहीं है। गाइज ओ का मतलब होता है ऑर्निथिन साइकिल, ओ का मतलब होता है ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल का मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में क्या होता है गाइज, बोलो यूरिया साइकिल्स के अंदर क्या होता है, तो आपको पता है अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू, तो अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है या NH3 कहते हैं हम, याद रहो NH3 आपको इंपॉर्टेंट, NH3 को किसमें कन्वर्ट करता है, तो यूरिया, जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं या यूरिया साइकिल कहते हैं। गाइज नेक्स्ट वन जो टॉपिक आता है, जिसको हम कहते हैं जी फॉर, जी का मतलब होता है क्या,
जी का मतलब होता है क्या होता है जी का मतलब यस बोलो जी का मतलब यह होता है गाइस कि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम करता है किसमें काम करता है तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम करता है तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में दो कंपोनेंट आते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर दो आता है तो गाइस ये क्या करता है पता है क्या अगर समझ लो मानो ये आपका ये ब्लड है ये क्या है तो आपका ब्लड है ठीक है तो ब्लड के अंदर आपको पता है ये डायग्राम याद रखना है ये किसका डायग्राम है तो ब्लड का है ब्लड का डायग्राम कभी होता नहीं बट यहाँ पे निकाल रहा हूं ये ब्लड है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो एक तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा या तो कम होगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है या बढ़ सकता है तो ग्लूकोज का लेवल अगर ज्यादा बढ़ा तो भी क्या है तो हार्म रहता है अगर कम हो गया तो भी हार्म रहता है तो गाइस क्या होता है जब क्या होता है मतलब ग्लूकोज का लेवल अगर आपके बॉडी के अंदर कम हुआ है तो ये कम मतलब कम कैसे होता है तो ये जो लीवर है क्या करता है तो ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐसे कनेक्ट करता है और क्या बनाता है तो ग्लाइकोजन बनाता है क्या बनाता है ग्लाइकोजन बनाता है जब ये ग्लाइकोजन बनेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइको जेनेसिस बोलेंगे क्या बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना तो जना बना रहा है तो ग्लाइकोजेन बनाएगा लिवर के अंदर ग्लाइकोजेन बनाएगा मतलब नंबर ऑफ अगर कम करना है उसको तो बहुत सारा मतलब ब्लड का क्या उठाएगा ब्लड का ग्लूकोज उठाएगा और सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को साथ में चेन बनाएगा और वो जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसको कहते हैं हम क्या ग्लाइकोजेन तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन कौन करता है लिवर करता है इसको कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं ठीक है बट अब ये कम हो जाएगा बट क्या हो रहा है आपको लीवर क्या मतलब क्या होना है तो ब्लड के अंदर ये चाहिए आपको क्या ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो क्या होगा यही जो ग्लाइकोजन है उसको क्या करेगा वो ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं क्या कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं या जो नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं मतलब जैसे लिपिड है फैट है या सॉरी लिपिड फैट और हम उसको ये भी कहते हैं प्रोटीन इनसे भी क्या होता है तो ग्लूकोज को मतलब इनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस गाइज फटाफट याद रखना क्या बोला मैंने फटाफट ग्लूकोनियोजेनेसिस तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सट्रेट जैसे कि प्रोटीन होता है लिपिड होता है इसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ये कब होता है जब स्टारवेशन कंडीशन आता है उस टाइम में ये सारी चीजें करता है जिसको हम कहते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन और फैट उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं क्लियर हो गया तो ये काम भी कौन करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में दो आता है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्लस ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया ये सारी चीजें कर रहा है वो ओके तो और क्या मैंने बोला था पुश डॉग बाय बाइक तो हमारे पास में बाइक बचा हुआ है ठीक है बाइक के बारे में कुछ नहीं है आपके पास में बाइक आता है तो बी का मतलब होता है इसका मतलब होता है बाइल सिंथेसिस या बाइल सिंथेसिस कहते हैं हम इसके अंदर क्या कहते हैं तो ये बाइल सिंथेसिस के लिए काम करता है किसके लिए काम करता है बाइल सिंथेसिस के लिए काम करता है तो गाइज याद रखना जब बाइल पिगमेंट या बाइल सिंथेसिस के लिए काम कर रहा है तो इसके अंदर आपको दो चीजें मिलेगी बाइल सिंथेसिस में राइट ना इसके अंदर एक बाइल पिगमेंट मिलेगा कौन सा मिलेगा बाइल पिगमेंट तो बाइल पिगमेंट के अंदर आपको दो मिलते हैं एक को हम कहते हैं कौन सा बिलिरुबिन और दूसरा मिलता है बिलिवर्डिन बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ऐसे दो आपको क्या मिलता है तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन क्या मिलता है तो बाइल पिगमेंट मिलता है और लास्ट में आपको क्या मिलता है तो बाइल सॉल्ट मिलता है तो बाइल सॉल्ट के लिए भी काम करता है तो बाइल सॉल्ट किसके लिए काम करता है तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए काम करता है किसके लिए काम करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ओके किसके लिए काम कर रहा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो लार्ज क्या है तो आपका फैट मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर वन छोटे छोटे पार्टिकल्स में बड़े फैट का या कॉम्प्लेक्स फैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट ओके स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या करेगा तो कन्वर्ट करेगा जिसको हम कहते हैं गाइस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं किसको क्या कहते हैं उसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं ठीक है तो गाइस ये आपका पूरा हो गया क्या तो फंक्शंस ऑफ लीवर क्या हो गया फंक्शंस ऑफ लीवर तो मैं जब बता रहा हूं अच्छे से सुन लेना मैंने क्या बताया पूरा पूरा फिर से बता देता हूं फंक्शंस ऑफ लीवर बताया मैंने पूरा फोकस इसके ऊपर ठीक है तो पहला बताया मैंने पुश डॉग बाय बाइक पुश डॉग बाय बाइक बोलो चलो फटाफट पुश डॉग बाय बाइक पुश डॉग बाय बाइक पुश डॉग बाय बाइक ठीक है ओके
push dog by bike. तो ठीक है, तो पहला पॉइंट पी का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम कर रहा है, ऑल प्रोटीन ऑफ द ब्लड सिंथेसाइज बाय द लिवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन. यू का मतलब होता है यूरिया सिंथेसिस, अमोनिया इज कन्वर्ट द यूरिया, दैट इज कॉल्ड एज यूरिया सिंथेसिस. अमोनिया का कन्वर्शन किस में होता है, यूरिया, जिसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, वहां पे भी हमने लिखा है. यस का मतलब होता है दो चीजें, यस फॉर स्टोरेज, यस फॉर सिंथेसिस. तो स्टोरेज करेगा तो क्या, विटामिन, जो विटामिन के दी, तो विटामिन जो फैट, फैट सोल्यूबल जो विटामिन होता है, फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा. तो उसमें कौन सा आ गया, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, इसको स्टोर करता है. साथ में आयरन प्लस जड़न जो होता है जिंक, उसको भी क्या करता है, स्टोर करता है. नेक्स्ट वन पॉइंट सिंथेसिस की बोला था, सिंथेसिस में दो चीज आता है, सिंथेसिस ऑफ द क्लोटीन फैक्टर, तो क्लोटीन फैक्टर जो होते हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए जो काम करते हैं उसको सिंथेसाइज करता है. साथ में बीटा कैरोटीन विटामिन ए को भी क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है. ठीक है, लास्ट में आता है आपका कौन सा, डॉग की बात कर रहा हूं है ना. डॉग का मतलब क्या होता है, याद रखना है, एच का मतलब कुछ भी नहीं है, एच नहीं है हमारे पास में. ठीक है, डी फॉर डॉग आता है, डी का मतलब होता है डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना है, डीअमाइनेशन. इसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस इज कन्वर्ट द नॉन टॉक्सिक, जिसको हम यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम P450. अगेन ओ का मतलब होता है ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल में आपको यूरिया साइकिल कहते हैं, उसमें क्या होता है, अमोनिया इज कन्वर्ट द यूरिया. बाय की बात छोड़ दो, आप डायरेक्टली जी बचता है आपके पास, सॉरी जी बचता है, जी का मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म दो चीज आता है, एक तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा या तो कम होगा, तो कम हो रहा है मतलब ग्लाइकोजन बना रहा है, तो लिवर के अंदर क्या कर रहा है, तो वो ज्यादा अगर ग्लूकोज होता है उसको कम कर रहा है. कैसे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐसे ज्वाइन करके ग्लाइकोजन बना रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं. जब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. या अगर आपको और क्या करना है, ग्लूकोज बढ़ाना है ब्लड के अंदर, तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में फैट है आपके बॉडी के अंदर, जो प्रोटीन है उसका भी ब्रेकडाउन कर कर क्या करेगा, तो वो ग्लूकोज बनाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, और एक गाइस बाइक की बात कर रहा हूँ, बाइक का मतलब था, बी का मतलब था बाइल सिंथेसिस के लिए काम करेगा. बाइल सिंथेसिस में दो आते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स कहते हैं. बाइल पिगमेंट के अंदर बिलिरुबिन आएगा और बिलिरुबिनस आएगा, बिलिरुबिन और बिलिरुबिनस. और बाइल सॉल्ट में आपको पता है क्या, टाउरोकोलेट और कौन सा आता है, तो ग्लाइकोकोलेट आता है, या एसिड में आते हैं टाउरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट. अगर टाउरोकोलेट किसको कहेगा, अगर टाउरोकोलेट क्या होता है, सोडियम को मिले तो सोडियम टाउरोकोलेट, अगर पोटेशियम मिले तो पोटेशियम टाउरोकोलेट. ओके, और ग्लाइकोकोलेट मतलब कौन सा आपको, टाउरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट. तो ग्लाइकोकोलेट अगर सोडियम में मिला तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट, अगर वो किसको पोटेशियम से मिलता है तो पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट. ओके, ये दोनों के दोनों किसके लिए काम करते हैं, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए काम करते हैं. तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मींस व्हाट गाइस, तो लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ द फैट इज कन्वर्टेड इन द स्मॉलर वन, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. तो गाइस ये पूरा के पूरा जो आता है आपको क्या आता है, तो फंक्शंस ऑफ लिवर आता है. शॉर्ट वाला एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है इसके अंदर का, ठीक है, तो वो याद रखना. क्या पॉइंट है आपका, यस ओके ठीक है, तो समझ लो आपका ये लिवर है. मैं बात कर रहा हूं अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि मतलब क्या करता है, हाँ ड्रिंक करने वाले जो पर्सन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ. गाइज ऐसे जो पर्सन है उनके, जिसका नाम है अल्कोहलिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ. किसके बारे में, अल्कोहलिज्म या अल्कोहलिक पर्सन की बात कर रहा हूँ. अल्कोहलिक का मतलब होता है जो ड्रिंक करने वाले जो पर्सन होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ. ओके, अल्कोहलिज्म हमने पढ़ा है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में अच्छे से क्लियर किया है उसको. तो गाइस होता क्या है, तो अल्कोहलिज्म जो ड्रिंक करने वाले जो पर्सन है ज्यादातर इनके जो लिवर होता है, लिवर के अंदर अबनॉर्मल क्या होता है, तो फैट सिंथेसिस या फैट डिपॉजिट होता है. वहां पे क्या होता है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट क्या होता है, डिपॉजिट होता है. ये क्या है, तो फैट डिपॉजिट होता है. गाइस इसका नतीजा ये होता है कि ये क्या करता है, तो लिवर के अंदर क्या होना चाहिए, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया होना चाहिए. क्लियर है, बट गाइज होता क्या है, अमोनिया इज कन्वर्टेड यूरिया होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो साइकिल है उसका नाम है यूरिया साइकिल. तो जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट होने की वजह से ये यूरिया साइकिल नहीं होती है, और इसका क्या होता है, तो अमोनिया ही आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में मिलता है. यही अमोनिया कहाँ जाएगा गाइज, ये अमोनिया आपका पूरा जाता है ब्लड के अंदर. ब्लड से कहाँ जाएगा, तो आपको पता है ब्लड ब्रेन में जा रहा है, बट वहां पे फिल्ट्रेशन स्लिट है, जिसको हम कहते हैं कौन सा, हाँ कोरोइड फ्लेक्सस, राइट ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोइड फ्लेक्सस कहते हैं. दो होते हैं, एंटीरियर कोरोइड फ्लेक्सस और दूसरा होता है पोस्टीरियर कोरोइड फ्लेक्सस. ये मैं आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन में आराम से बताऊंगा. तो ये जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास जाने के बाद में आपको पता है ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर द
वेरी सेंसिटिव सेल्स ऑफ अवर बॉडी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और वही आम उन्हें जब इसके अंदर चला जाता है ब्लड के थ्रू ब्रेन के पास, तो क्या होता है, न्यूरॉन के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो डैमेज होते हैं, सेंसिटिव होता है, उसको हार्मफुल अमोनिया मोर हार्मफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए, और ये क्या करता है, तो पर्सन जाता है कोमा में। तो गाइस ये जब कोमा में जाता है तो ये जो डिसऑर्डर आता है इसको हम कहते हैं, कोमा के बाद में डायरेक्ट हो जाएगा डेथ, ओके, और ये जो डिसऑर्डर आता है इसको हम कहते हैं लीवर सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस हम इसको, लीवर सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस कहते हैं, हो गया। तो ये लीवर सिरोसिस आपका पॉइंट खत्म हो गया। तो दैट इज अबाउट द लीवर सिरोसिस, दैट इज अबाउट द क्या है, तो मैंने क्या देखा है शॉर्ट में फिर से एक बार रिमाइंड मतलब पूरा आपको कवर करके देता हूँ। लीवर क्या है, लीवर देज आर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। दूसरी बात, लीवर क्या है, तो इंडोडर्मलिन ओरिजिन है। तीसरी बात क्या है, तो उसका जो वेट होता है वो 1.5 केजी होता है। स्टडी ऑफ लीवर कॉलेज है हेपेटोलॉजी कहते हैं गाइस हम। उसके बाद में हमने देखा था क्या है, तो लीवर का हाँ पूरा स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें हमने बोला क्या है, लीवर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं लेफ्ट पार्ट, दूसरे को कहते हैं हम राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट जो होता है स्मॉलर वन होता है, राइट पार्ट जो होता है लार्जर वन होता है। लेफ्ट पार्ट जो होता है 1/6 होता है, और जो राइट पार्ट होता है 5/6 होता है, ओके। तो राइट लोब कहते हैं राइट हेपेटिक लोब कहते हैं, दूसरे को हम लेफ्ट हेपेटिक लोब कहते हैं। तो राइट हेपेटिक लोब से जो डक निकलती है उसको हम कहते हैं राइट हेपेटिक डक, और जो लेफ्ट हेपेटिक डक लेफ्ट हेपेटिक लोब से जो डक निकलती है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोथ आर क्या होता है, एक दूसरे के अंदर मर्ज होता है। साथ में आपका कौन सा, सिस्टिक डक्ट जो कि किसका है, गॉल ब्लैडर का है, जिसको हम डक्ट ऑफ कोलेडकस कहते हैं। तो ये भी जाकर इसके अंदर मिल जाता है और बन जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट, अगर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट कहाँ जाता है, तो पैनक्रियास को जाकर मिलता है। तो पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ विसंग, वो जाकर फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट को मिलता है, और वो बनाता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाता है, और वो जाकर मिलता है तो स्मॉल क्या है, तो ड्यूओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है। उसके पहले आपको जस्ट अबव द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज अबव एक आपको यहाँ पे स्फिंक्टर मिलता है, रेगुलेटर मिलता है, जिसको हम गाइस कहते हैं क्या, स्पिंक्टर ऑफ बोइडेनम कहते हैं। और जो दूसरा जो आपको क्या है, तो जस्ट मतलब एम्पुला पार्ट ऑफ द एम्पुला ऑफ द वाटर, उसके अंदर आपको जो क्या मिलता है, तो स्पिंक्टर मिलता है, रेगुलेटर मिलता है, जिसको हम कहते हैं हाँ स्पिंक्टर ऑफ द ओडाई कहते हैं। तो ऐसे दो स्पिंक्टर आपको क्या होते हैं, इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर यही सेक्रेशन मैंने बोला था कि जब जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल अगर सिंथेस हो गया, और वही अगर बाइल जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है उसी के अंदर अगर क्या जाकर अगर डिपॉजिट होता है, वहां पे स्टोर होता है, तो अलोइंग ऑफ जो मूवमेंट हो रहा है, नीचे जो आ रहा है आपका बाइल डक्ट वो आएगा नहीं, उसका नतीजा क्या होगा, लिवर के अंदर क्या होगा, तो कलेक्शन ऑफ द बाइल डक्ट होगा, और वो पूरे बॉडी के अंदर थ्रू द हेपेटिक वेन या ब्लड थ्रू कहा होगा पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए पर्सन पूरा के पूरा पिलिया होता है, शादी के पहले होना चाहिए, है ना, हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, याद रखे वो भी। तो पूरा आपका बॉडी कैसा मिलता है, आपको येलो कलर का मिलता है, तो येलो ये जो डिसीज होता है गाइस, इसको हम कहते हैं ऑब्स्टेकल जॉन्डिस कहते हैं, या इसको हम पिलिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, तो लिवर वर्क करता है। उसके बाद में हमने देखा था हेपेटिक ग्लोबल्स, देखे हेपेटिक ग्लोबल्स के अंदर हमने बताया कि हेपेटिक ग्लोबल्स इज कवर्ड बाय द वन ऑफ द कैप्सुलर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज गिल्सन्स कैप्सूल्स। नेक्स्ट होता है गिल्सन्स कैप्सूल, आपको क्या मिलता है, सेंट्रल वेन मिलता है। सेंट्रल वेन के बाजू में आपको क्या है, तो कॉर्ड ऑफ द हेपेटिक सेल्स मिलता है, टू लेयर का सेल्स मिलता है, टू सेल्स लेयर मिलता है, ओके, जिसको हम हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं। और उसी के अंदर आपको क्या मिलता है, कुछ एरियाज मिलता है, फेसेस मिलता है, जिसको हम कहते हैं हेपेटिक सिनुसॉइड्स कहते हैं। और उसके अंदर क्या रहता है, तो आपका जो जिसको हम कहते हैं कौन सा, यस ये कहते हैं कफस सेल्स होते हैं, कफस सेल्स ज्यादा फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, देखिए इनका द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फॉरेन बॉडीज कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलता है, हेक्सागोनल मिलता है, पॉलीगोनल मिलता है, तो हर एक जो हेक्सागोनल वहाँ पे रहता है, मतलब जो एंड ऑफ द हेक्सागोनल पार्ट होता है वहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो पोर्टल ट्रायड मिलता है। पोर्टल ट्रायड में आपको हेपेटिक वेन मिलेगा, हेपेटिक आर्टरीज मिलेगा, और क्या मिलेगा, तो बाइल डक्ट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या मतलब हुआ, सारा स्ट्रक्चर के बाद में आप अपन जाते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर। फंक्शंस ऑफ लिवर में मैंने बोला था क्या, push dog by bike, पी का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल प्रोटीन ऑफ द ब्लड सिंथेसाइज बाय द लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। उसके बाद में मैंने बोला यूरिया सिंथेसिस करता है। उसके बाद में बोला है क्या, यस का मतलब था स्टोरेज करता है कौन सा, विटामिन फैट सोल्युबल विटामिन को क्या करता है, स्टोर करता है, साथ में आयरन और झड़ियन को भी स्टोर करता है। उसके बाद में मैंने बोला था कौन सा वाला,
हाँ सिंथेसिस के लिए काम करता है, तो क्लोटीन फैक्टर सिंथेसिस के लिए, साथ में विटामिन बी ये जो होता है जिसको हम बीटा कैरोटीन वगैरह कहते हैं उसको भी सिंथेसिस के लिए काम करता है। उसके बाद हमने देखा था कौन सा वाला, हाँ नेक्स्ट टू द पुश के बाद हमने देखा था पुश डॉग, डी का मतलब होता है डीअमाइनेशन कहते हैं, और क्या कहते हैं डीटॉक्सिफिकेशन, दोनों भी आता है डीअमाइन में रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप, डीटॉक्सिफिकेशन में टॉक्सिक इज कन्वर्ट नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। ओके ओ का मतलब होता है क्या करता है, तो ओ का ऑर्निथिन साइकिल करता है जिसको यूरिया साइकिल कहते हैं। जी का मतलब होता है ग्लूकोज मेटाबोलिज्म कर रहा है, ग्लूकोज में क्या करेगा दो चीजें, अगर ग्लाइकोजन बनाएगा तो ग्लाइकोजिनेसिस कहेंगे, और ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे, साथ में और एक प्रोसेस करता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सा होता है, हाँ उसके बाद में आपका आता है बी का मतलब बाइक का आता है, तो बाइक का मतलब तो बाइल सिंथेसिस के लिए काम करता है, बाइल सिंथेसिस में दो पिगमेंट बनाता है वो कौन सा, जिसको बाइल पिगमेंट्स कहते हैं और बाइल सॉल्ट कहते हैं, तो बाइल पिगमेंट आपका बिलीयुरिडिन और बिली क्या है तो बिलीरुबिन, ऐसे दो आते हैं, और दूसरा आता है बाइल साल्ट में आते हैं आपको टाउरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट। उसके बाद मैंने बताया था कि गाइस जो अल्कोहलिक पर्सन रहते हैं उनके अंदर क्या है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट क्या होता है लिवर के अंदर डिपॉजिट होता है, और उसी की वजह से क्या होता है यूरिया साइकिल स्टॉप हो जाएगा, और क्या है यूरिया हार्मोनाइज कर यूरिया, तो यहाँ पे अमोनिया वैसे के वैसे रह जाता है और ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में बढ़ जाता है, ब्लड से जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन से जाएगा ब्रेन में, जैसे गया तो पर्सन जाएगा कोमा में, और कोमा से होगा डेथ। इस डिसीज को गाइस हम कहते हैं लिवर सिरोसिस कहते हैं। क्लियर, दैट इज अबाउट द फंक्शंस, मतलब स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ अगर मतलब नहीं समझ में आ रही है तो गाइज मुझे कमेंट में लिखिए, मतलब कमेंट में डालिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, अगर आपके प्रॉब्लम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। दूसरी चीज गाइज, अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वीडियोज अगर चाहिए, ओके ज़्यादा अगर वीडियो चाहिए, अगर ये चाहिए आपको इसी टॉपिक के ऊपर, अगर आपको क्या चाहिए तो मतलब डीपीपी चाहिए, क्वेश्चन सेट चाहिए, पेपर्स इसके ऊपर हो गए, तो सारे के सारे आपको पेपर्स है या डीपीपीज है, एक्सरसाइज सीरीज है, सारा के सारा हमने ऐप के अंदर क्या है तो डॉक्टर राज यूबी ये जो ऐप आता है उसके अंदर इंक्लूडेड किया है। तो गाइस आप नीचे जो लिंक दिया है उसके ऊपर जाकर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, साथ में आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट में लेक्चर्स भी मिलेगा। ओके चलो, फिर से मैं थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।